हिम्मत तो देखो, पहले भाई आके बदतमीजी कर गया और अब उस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये लोग ठीक नहीं है, और उसके भाई के तेवर तो उस दिन देख लिए थे, इसीलिए कह रहा था मैं कि रिश्ता दूसरी जगह रखो। और बेचारी जी थी बिना माँ बाप के, अच्छा खासा पैसा था, और ऐसी बेसहारा लड़कियां दबके रहती है। तो अब क्या करें, इन्हीं की पसंद थी ना, अब भुगतो। अरे चुप करें यार आप लोग। क्या लगता है उसे, ये ड्रामा करके वो मुझसे जीत जाएगी? हाँ, मुझसे निजात हासिल कर लेगी? नहीं अम्मा, वो अभी मुझे जानती नहीं है, इतनी आसानी से तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ दो उसे, बहुत सी लड़कियां देख रखी है। सिर्फ किरण चाहिए, सिर्फ किरण बस। मैं पकवान पे जा रहा हूँ। किधर, नाश्ता तो कर लो। कुछ बात करनी थी तुमसे। बोले अरे बीवी कैसी है? किरण ने बताया तुम दोनों के आपस में कोई झगड़ा हो। उस दिन मैं बहुत नाराज थी, शदीद सदमे में थी। एक मौका देना चाहिए था उसे। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं अम्मा। क्यों? इतना आसान नहीं है। मैं चाहूंगी मेरी वजह से नाराज हुई ना तो मैं मना। बहुत देर हो गई अम्मा, और ऐसे भी मेरे फरिया के बीच में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है। आपका उसमें कोई कसूर नहीं। चलता हूं। सहरम शाह सूरी, क्या करो? कहाँ है मेरी बेटी? आप कब आए? कौन आता है कौन जाता है तुम्हें आजकल पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि परिया तो घर आ गई है, मेरी बेटी कहीं खो गई। क्या बात है, इसे बताओ। यहाँ आके खुश नहीं हो क्या? पता नहीं पापा, एक घर छोड़ के दूसरे घर आने में लगता है मैंने खुद को कहीं खो दिया है। दिल की सुन के देख लिया ना, अभी थोड़ा दिमाग से भी बात मान लो।
ये क्या, ये सामान क्यों बैग हो रहा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझको जवाब दो। आप कहने को बचा ही क्या? हाँ, क्या कहना? चलो बैठ के बात करते हैं। तो मुझे कुछ नहीं सुनना, आपने मुझसे झूठ बोला है, झूठी तसल्लियां दी हैं और मैं बेकार ना आपके दिलासों में आती थी। बात समझ नहीं रही हो मेरी, तमीज से बैठ के बात करते हैं। मैं ही समझू आप हमारे बच्चे के फ्यूचर के साथ खेलते रहे, और मैं ही समझू वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरी औलाद भी उतनी जितनी तुम्हारी है। वो लगता तो नहीं है, वरना आप उसके फ्यूचर को इस तरह दांव पे लगा के ये फैसला ना करते। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बात कर रही हो, तुम्हें जितनी फिक्र है ना उसकी उतनी मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बाप के सामने जाके खड़ा हो जाऊं, अपने बाप से बदतमीजी करूं मैं। आपसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा इसको वापस रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब आप अपनी माँ के पल्लू से अपनी जान छुड़ा लेंगे ना, तो तब मुझ पे हुक्म चलाइएगा। अजीब ड्रामा लगा रखा है। और एक बात समझ ले कि मैं अपने बच्चे को उसका हक दिलवा के ही रहूंगी। आप आ सकते हैं अपने माँ बाप की ड्रामेबाजी में, मैं नहीं। जो ना मेरे माँ बाप के बारे में ना तमीज से बात किया करो।